आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर कंटेंट्स इन अ एटमोसफियर, मीन्स इन एयर और अदर गैसेस। ये जो ह्यूमिडिटी है, ये ह्यूमिडिटी मेजर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है उसमें ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, उसका परिणाम उस प्रोडक्ट पे हो सकता है। जैसा कि जो पेपर, टेक्सटाइल, पेंट्स, सोप पाउडर, फर्टिलाइज़र या वुड प्रोडक्ट्स वाली जो इंडस्ट्री है, तो ऐसे इंडस्ट्री में ह्यूमिडिटी का परिणाम उस प्रोडक्शन पे होता है। वो जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन ह्यूमिडिटी के कारण ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करना बहुत आवश्यक है। इस ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, एक है हाइग्रोमीटर और दूसरा है साइक्रोमीटर। अभी ये जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर मींस जो इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी जो का जो चेंज होता है, वो चेंज इलेक्ट्रिकल चेंज में कन्वर्ट करके उसका मेजरमेंट करता है। और दूसरा जो साइक्रोमीटर है, वो साइक्रोमीटर टेम्परेचर डिफरेंस में जो कोई चेंज आया है, वो ह्यूमिडिटी की वजह से जो चेंज है उसको मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर के दो टाइप पड़ते हैं, एक है हेयर हाइग्रोमीटर और हमिस्टर हाइग्रोमीटर। और जो साइक्रोमीटर है उसके दो प्रकार पड़ते हैं, एक है स्लिंग साइक्रोमीटर और दूसरा है रिकॉर्डिंग साइक्रोमीटर। अभी पहले हम हाइग्रोमीटर का जो फर्स्ट टाइप है उसको देखेंगे, हेयर हाइग्रोमीटर। यहाँ पे हेयर हाइग्रोमीटर की फिगर दी हुई है। इस फिगर में हम देखेंगे इसको, एक यहाँ पे एक प्योट है, जो प्योट को पॉइंटर अटैच किया हुआ है। पॉइंटर जो नीचे दिए गए हुए स्केल पे क्या होगा, मूव होगा। इस पॉइंटर को हमने क्या किया, ये जो आर्म है ये आर्म से अटैच कर दिया। ये जो आर्म है, इस आर्म को रिट्राइवल पोजीशन के लिए या टेंशन के लिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया। उसी आर्म को हमने क्या किया, स्टैंड्स ऑफ हेयर हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इस प्रकार का इसका कंस्ट्रक्शन है। अभी आप हमने देखा कि इसका नाम हेयर हाइग्रोमीटर। हेयर, ये जो हेयर है, ये हेयर ह्यूमन हेयर से इसका नाम, इसमें हेयर हाइग्रोमीटर आया है। जैसा ह्यूमन हेयर की प्रॉपर्टी होती है, अगर ह्यूमन हेयर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आया तो उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, मतलब लेंथ उसकी बढ़ती है। और ह्यूमिडिटी अगर कम रही तो कम ह्यूमिडिटी में ह्यूमन हेयर की जो लेंथ है वो लेंथ कम हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया हुआ है। इसमें जो स्टैंड्स ऑफ हेयर है, इसमें क्या किया जाता है कि जो ह्यूमन हेयर है, ये दो से ज़्यादा हेयर इसमें क्या किया जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, और वो पैरेलली और कुछ एक से दूसरे को कुछ तो भी डिस्टेंस पे उसमें लगाया जाता है। एक से ज़्यादा हेयर लगाने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। और जब इसको इंस्ट्रूमेंट को हम ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में रखेंगे या जहाँ पे हमको ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करनी है उस एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो क्या होगा कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही तो ह्यूमिडिटी का कांटेक्ट इस हेयर स्टैंड से आएगा, और उसकी वजह से ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण ये जो हेयर है, ये हेयर क्या होंगे, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे इसकी लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ने की वजह से ये जो आर्म है, ये आर्म इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। जैसे ये मूव होगा तो उसकी वजह से ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर हाई साइड में मूव हो जाएगा, जो कि हमको ह्यूमिडिटी इंडिकेट करेंगे कि कितनी ह्यूमिडिटी उस एयर में मौजूद है।
उसी प्रकार जब कम ह्यूमिडिटी में हम इस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, तो कम ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा कि ये जो हेयर है, ये हेयर स्टैंड में कि हेयर जो है इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो लंबाई कम हो जाएगी। और लंबाई कम होने के कारण ये जो आर्म है, ये आर्म इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाने की वजह से वो पॉइंटर जो है, वो पॉइंटर को लो डायरेक्शन में मूव करेगा, जो हमको बताएगा कि ह्यूमिडिटी कम है। इस प्रकार हम ह्यूमिडिटी मेजरमेंट हेयर हाइग्रोमीटर से कर सकते हैं। इसके एडवांटेज जो है उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत लो कॉस्ट वाला है, और दूसरी बात यानी कि ये पॉकेट साइज़ में अवेलेबल है, मतलब इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। उसके डिसएडवांटेज भी है, यानी कि ये 5 डिग्री से कम टेम्परेचर में काम नहीं कर सकता, और दूसरी बात 35 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर में भी ये काम नहीं कर सकता। इसकी जो रेंज है वो 5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की रेंज जो है 40 to 90% 95% पर तक ये काम कर सकता है, और एक्यूरेसी इसकी 3 to 4% है। उसी प्रकार इसके एप्लीकेशन जो है, तो एप्लीकेशन ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, जहाँ पे हमने पहले देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वुड इंडस्ट्री हो, वहाँ पे ये ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि इसकी प्रिसीजन है, जो प्रिसीजन जो है कम होने की वजह से, जहाँ पे हाई प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है।